हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज के जो वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मिक्स एंड मिंट की अपडेट्स, तो मेरा फोकस रहेगा मोस्टली कॉमन एमिनिटीज पे, कॉमन फैसिलिटीज पे, और मैं आपको टावर्स का भी क्विक अपडेट दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो इस वीडियो में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाए जाएंगे, क्योंकि मेरे को आपको सच दिखाना है। तो उसमें देखो सच में अच्छी चीजें भी दिखेंगी और बुरी चीजें भी दिखेंगी, तो मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देखो आप अगर हैंडओवर लेने वाले हो तो उसके बाद आपको एक शॉकर मिलेगा। तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि जो पावर बैकअप के डीजी के जो फिक्स चार्जेस है, दे आर वेरी हाई। सो बेसिकली 3 KVA का अगर आपका पावर बैकअप का लोड है तो आपको पर केवीए 300 देने पड़ेंगे, यानी कि 900 KVA तो हो गए चार्जेस प्लस 18% GST। तो 3 KVA का फिक्स चार्जेस आपको सिर्फ पड़ जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 1182 रुपीज, जो कि काफी ज्यादा है। तो भले ही आप बजट हाउसिंग में रह रहे होंगे, लेकिन प्राइसेस के हिसाब से आपको ATS और पूर्वांचल से कम फील नहीं आने वाली, सिर्फ प्राइसेस के हिसाब से। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो है कि जब RWA के अंडर मेंटेनेंस आ जाएगा तो तब RWA डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही चार्जेस होने चाहिए, तो ऑब्वियसली वो कम आ जाएंगे। तो वो लेकिन उसमें बहुत टाइम लगना है, उसमें तो अभी आप मान के चलो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा फिर हैंड ओवर होगा, वो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन क्या है? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन मेरे को ऐसा लगता है कि हमको बिल्डर से कम्युनिकेट करना चाहिए, हमको थोड़ा प्रेशर डालना चाहिए कि भाई दीज आर नॉट जस्टिफाइड चार्जेस, इनको थोड़ा एडजस्ट किया जाए। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन लगता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि देखिए कंक्लूजन में मैं आपको जो CCOC का राय था फैला हुआ है ना, फेज 1 फेज 2 का, वो भी क्लियर करूंगा, तो आप कंक्लूजन जरूर देखना। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेन गेट से। मेन गेट पे अगर आप देखोगे तो थर्ड पार्टी एजेंसी के गार्ड्स यहाँ पे सेटअप हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो RFID है वो अभी भी मैनुअली कंट्रोल हो रही है। कैमराज यहाँ पे जो लगे हुए हैं वो भी फुली फंक्शनल नहीं है। गार्ड रूम भी थोड़ा सा रेडी हो गया है। एंड नेगेटिव थिंग इज कि यहाँ पे भी इंटरकॉम सेटअप नहीं है, तो जो कम्युनिकेशन है रेजिडेंट से रिगार्डिंग विजिटर्स, वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल बेसिस पर चल रही है, जो कि आई डोंट फील कि वो सिक्योर है। उसके अलावा ये जो आपको यहाँ पे सीमेंटेड एरिया दिख रहा है, यहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम थी, तो ये अभी रिसेंटली यहाँ पे रिपेयर करी गई है, तो अभी यहाँ पे से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। तो अब हम अंदर चलते हैं, अंदर टावर्स वगैरह का देखते हैं और आगे मैं आपको उसके बारे में अपडेट करता हूँ। तो टावर्स में भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स तो बैठ गए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम मेन यही है कि इनके पास इंटरकॉम सेटअप अभी नहीं है, तो ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते रेजिडेंट से कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बाकी गार्ड्स अभी यहाँ पे 24/7 एजेंसी वाले आपको मिल जाएंगे। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ कि जितने यहाँ पे वेंडर वर्कर्स है, हाउस हेल्प है, मेड्स हैं, उन सब के लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी हो गई है, उसके बिना वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ जो हाउस हेल्प आती है, मैंने अभी खुद उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई है, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करें तो अभी उसका आइडेंटिटी कार्ड भी बन जाएगा। सो सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से वो अच्छी चीज़ है। अब अगर मैं पार्किंग की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि देखो जो फैसिलिटी स्टाफ है वो पार्किंग वगैरह डेली क्लीन अप कर रहा है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है पार्किंग की कोई भी। तो मेंटेनेंस स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है और अंदर के जो विजिटर्स हैं, वो जो अंदर गाड़ी लाते हैं अपनी गाड़ी कहीं भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से अभी भी हमको प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए ये हमारी स्ट्रिक्ट पार्किंग है, और अभी ना सिर्फ स्ट्रिक्ट पार्किंग अवेलेबल है, बेसमेंट की पार्किंग जो है अभी यूजेबल नहीं है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रिक्ट पार्किंग में सफिशेंट स्पेस है। प्रॉब्लम इस कहीं कहीं पर लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम वही है कि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कौन गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहा है। तो अभी जो है मेंटेनेंस के साथ साथ जो फैसिलिटीज है एजेंसी है जो कि क्लीनअप के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अपॉइंट हो चुकी है। तो अगर आप मॉर्निंग में देखोगे तो कॉमन एरियाज हो गए, आपकी जो पार्किंग का स्ट्रीट है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसके अलावा जिन फ्लोर्स पे रेजिडेंट रह रहे हैं वहाँ पे जो है सफाई होती है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो शाम को आते आते चीज़ें गंदी हो जाती हैं, बट अभी कुछ दिनों से तो ऐसा दिख रहा है कि हाँ मॉर्निंग में एटलीस्ट चीज़ें साफ हो रही हैं। इसके साथ साथ हमारे फ्लोर्स पे भी हाउसकीपिंग जो है वो अभी तो कूड़ा लेने रेगुलरली आ रहा है। तो अभी मैं आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ, वो है लिफ्ट के ब्रेकआउट्स की। तो पिछले कुछ दिनों में दिन में कम से कम 5 से 6 बार लिफ्ट ब्रेकआउट हो रही है, और वो भी हो रही है 10 से 15 मिनट टाइम के लिए हर बार। उसका रीज़न ये है कि अभी भी इलेक्ट्रिक से जब डायरेक्ट लाइन से पावर बैकअप पर स्विच होता है तो जितना टाइम वो ले रहे हैं उतना ही टाइम लिफ्ट भी ब्रेकआउट में ले रही है, जो कि इटसेल्फ 10 से 15 मिनट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्लब हाउस का क्या स्टेटस है। तो क्लब हाउस के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोग्रेस हो गई है। मैं आपको क्लब हाउस का स्टेटस दिखाऊँ तो इंटरनली इसमें काफ़ी काम हो गया है, और अभी ये लोग तो कह रहे हैं कि 2 महीने में रेडी हो जाएगा, बट आई बिलीव कि कम से कम 4-5 महीने लगेंगे। लेकिन अगर अंदर प्रोस्पेक्टिव देखते हैं तो काफ़ी ऊपर का फॉल सीलिंग एंड ऑल ये सब काम हो रहा है। तो लेट्स सी, होपफुली फेज 2 के हैंड ओवर तक मैं मान के चल रहा हूँ कि ये शायद रेडी हो जाएगा। तो ये कम्युनिटी हॉल वगैरह अंदर का हो गया। तो यार इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन 2 महीने पहले इसकी बहुत बेकार हालत थी, अभी इट इज स्टिल शोइंग सम इम्प्रूवमेंट। पूल का भी स्टेटस देख लेते हैं, यहाँ से हमारा स्विमिंग पूल भी दिखता है। तो लेट्स सी, तो स्विमिंग पूल का स्टेटस है, आप देख सकते हो इसमें भी काम तो चल रहा है, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ तो काम चल रहा है, लेकिन इसमें भी मुझे लगता है कि वही 3-4 महीने भी लगेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है।
देखिए पार्क में तो कोई भी इंप्रूवमेंट दिखाने लायक है नहीं, तो मैं सीधे आपको किड्स प्ले एरिया दिखा। तो देखिए ये हमारा किड्स प्ले एरिया, किड्स प्ले एरिया जो है बच्चों के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो जो क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, उसको तो मेजरली एडल्ट्स लोग यूज करेंगे, लेकिन बच्चों को चाहिए किड्स प्ले एरिया। तो इस किड्स प्ले एरिया में अराउंड 10 दिन पहले काम शुरू हुआ है, अभी यहाँ पे स्विंग्स वगैरह लग रहे हैं, बट आप मान के चलो कि अभी कम से कम 15-20 दिन और लगेंगे जब ये फुली फंक्शनल हो जाएगा। तो जब ये फुली फंक्शनल हो जाएगा तो काफी हेल्पफुल होगा, ना सिर्फ बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी, क्योंकि फिर वो अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं और वो उनका दिमाग नहीं खाएंगे, वो यहाँ पे अपना टाइम पास करेंगे और पेरेंट्स जो है अपनी चीजों पे फोकस कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको सारे टावर्स का क्विक अपडेट दे देता हूँ। ये हमारा सन वन है, सन वन में ऑलरेडी हैंडओवर स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ फैमिलीज ऑलरेडी रह भी रही हैं, आई थिंक 4-5 फैमिली ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं। अगर बात करूँ सन टू की, तो सन टू में भी ऑलरेडी हैंडओवर हो चुके हैं और इसमें भी अराउंड 5-6 फैमिली शिफ्ट हो गई हैं और काफी फ्लैटों में इंटीरियर काम भी चल रहा है। अगर मैं इसके बाद बात करता हूँ हमारा आता है सन थ्री, तो सन थ्री में भी हैंडओवर स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई फैमिली शायद शिफ्ट नहीं हुई है, तो जब शिफ्ट होगी तो हमको पता चल जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट तो हमारे टावर है फेज टू के सन फोर और सन फाइव। तो इनकी अगर मैं बात करूँ दोनों टावर्स में, आउटर पर्सपेक्टिव से पिछले अपडेट से कोई भी खास डिफरेंस नहीं आया। आप चाहे तो मैं आई बटन में पिछले अपडेट छोड़ दूंगा जिसमें आप देख सकते हो क्या अपडेट थे, बाकी कोई मेजर बाहर से आपको नहीं दिखेगा। अंदर फ्लैट में भी इंटीरियर काम नहीं चल रहा, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर वाइज काम चल रहा है। बात करते हैं सन सिक्स की, तो सन सिक्स की आप देखोगे तो इसमें भी आउटर पर्सपेक्टिव से लास्ट अपडेट से कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसके फ्रंट में जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो इसका एंट्रेंस रेडी नहीं था, वो रेडी हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं सन सेवन की, तो सन सेवन में देखिए ऊपर सिर्फ एक फ्लोर बना है और कोई खास अपडेट नहीं है। सन एट, सन एट में ऑलरेडी हैंडओवर स्टार्ट हो चुके हैं, फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं, इसमें थोड़े से वियर एंड टियर हैं, बट इट्स ओके। सन नाइन की बात करते हैं, तो इसमें लास्ट अपडेट से ऊपर सिर्फ एक फ्लोर बनी है। सन टेन की अगर बात करें, तो सन टेन में भी ऊपर सिर्फ एक फ्लोर बनी है लास्ट अपडेट से। और अगर मैं बात करूँ कॉमर्शियल की, तो कॉमर्शियल में भी कोई भी शॉप ओपन नहीं हुई है, तो शॉप्स के लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा, जो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में जो अपडेट देने थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, लेकिन अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, सीसीओसी का जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हुआ है। तो मैं आपको बताया, तो जो हमारे फेज वन के टावर्स है जिसमें कि सन वन टू थ्री एट और कमर्शियल आता है, उसका सीसी डॉकेट नंबर 762 है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 762 जो फेज टू के टावर्स जिनके लिए भी सीसीओसी अप्लाई करी गई है, उनका सीसी का डॉकेट नंबर है 1929। तो 1929 के ऑब्जेक्शंस पे अगर फेज वन वालों को बोला जाए कि ये गलत है, तो वो नहीं, वो फेज टू के लिए है। अब मेरे को आपको फैक्ट्स के साथ चीजें बतानी होती है, तो ये दोनों फेज वन का जो सीसी डॉकेट नंबर है 762 1929, इनका प्रैक्टिकल चेक कि कैसे मैं साइट पे उनको जाके चेक कर सकता हूँ कौन सा किसका है और किसके लिए कौन सा टावर है, वो सारे के सारे मैंने एक वीडियो में समझाए हुए हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक छोड़ रहा हूँ, आप इसको जरूर देखना, क्योंकि उसे मैंने दोनों टावर्स का सीसी डॉकेट नंबर के साथ लाइव उनका स्टेटस दिखाया है कि किसमें क्लियरेंस है, किसमें प्रॉब्लम है, कौन सा किसका है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो आप उसको उस वीडियो में सीधे जाके आप डेमो पे भी क्लिक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने सब कुछ दिखाया, तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये अपडेट हेल्पफुल लगा होगा। सो अगर आपको ये अपडेट पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और उसके अलावा अभी नेक्स्ट कमिंग डेज में मैं आपको एक और वीडियो अपडेट करने वाला हूँ, विच इज रिलेटेड टू, जो कि एक प्रोजेक्ट अपडेट नहीं होगा, बट इट इज अबाउट अ प्रोसेस अपडेट, तो वो मैं आपको कमिंग डेज में पोस्ट कर दूंगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।